तो जैसे हमने मर्ज टेबल का डिस्कशन किया और उसको हमने समझा, उसी तरह यहाँ पे मर्ज एक्सेल फाइल्स, जैसे कि हमने आपको अपेंड सिखाया था, जहां पे अलग अलग एक्सेल शीट को वर्टिकली हम एक दूसरे के नीचे अपेंड कर रहे थे, यहीं पे आपका मल्टीपल अगर एक्सेल शीट होगा और दोनों के अंदर टेबल्स कॉमन होंगे तो उसको कैसे मर्ज करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आ जाते हैं पावर बीआई पे, बंद कर देते हैं, गेट डेटा पे आकर के यहाँ पे एक्सेल है तो यहाँ पे अभी फोल्डर के आसपास आना पड़ेगा जहां पे आपका स्टोर है, राइट। तो यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करो, फोल्डर पे क्लिक करके हम वहां से रोज को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका दिखा रहेगा मर्ज प्रोडक्ट टेबल है एंड मर्ज ऑर्डर डिटेल्स है, ये दो दो फाइल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको उसके हिसाब से बताया था ना, अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे ये जो है इसके हिसाब से नहीं बताऊंगा, इसको मैं कट कर देता हूं। अभी के टाइम पे हम सिर्फ एक एक करके टेबल्स लेते हैं, उसको कैसे मर्ज करते हैं। लेट्स गेट टेबल्स मतलब शीट्स, यहाँ पे एक एक्सेल शीट ले लेते हैं सबसे पहले, मर्ज टेबल्स, यहाँ पे जो है ऑर्डर डिटेल्स को पहले फाइल ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक ये आ गया, इसको हम पहले लोड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लोड कर लिया, दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने इसको लोड कर दिया है, ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आ गया, ये लोड हो रहा है, नेक्स्ट हमको और एक फाइल चाहिए तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लोड हो गया, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स में। अब हमको और एक चाहिए, ऑर्डर डिटेल ले लिया, एक और फाइल ले लेते हैं, दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा कि एक एक करके कैसे आप कर सकते हो, तो प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं, राइट, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट टेबल आ गया, अब मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं लोड नहीं करूंगा, सीधा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, राइट, क्योंकि एक बार हमने पहले से ऑर्डर डिटेल्स का टेबल लोड कर चुके हैं, हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है यहाँ पे और दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल है, मतलब जो ऑर्डर है कि किसने क्या ऑर्डर किया है, कौन सा कैटेगरी ऑर्डर किया है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड प्रीमियम करके, राइट, ये सब सारे प्रोडक्ट के नाम है और ऑर्डर डिटेल्स, किसने ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और उसकी चार्जेस कितने कितने लगे वो है, उसको क्या करना है, मर्ज करना है। सिंपली आप क्या क्या करना है, यहाँ पे आओ मर्ज क्वेरी एज अ न्यू पे क्लिक करो और जो आपको दो मर्ज करना है अलग अलग शीट का वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि हमारा पहला है प्रोडक्ट टेबल, या हम ले लेते हैं ऑर्डर डे, ऑर्डर डिटेल्स हमारा पहला, सेकेंड में आ जाता है हमारा फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट टेबल, राइट, दोनों में कॉमन क्या है, मेरा ये ऑर्डर आई डी है और यहाँ पे ये है, राइट, जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मैचिंग हो जाएगा और वो टेबल मेरा डायरेक्टली मर्ज हो गया, राइट। तो यहाँ से आपको कैसे कनेक्ट करना है, सेम यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक कॉलम है, पहले हमको फर्स्ट कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो सब ये एक्सपांड हो गया, राइट, सारा का सारा। तो इसमें से मैं फिर आपको क्लीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट मार देते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे सारा का सारा डिटेल मिल गया कि ये ऑर्डर आईडी का, इसका जो सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट कितना जनरेट हुआ है और प्रोडक्ट का नाम क्या, तो इस तरह से हमने दो अलग अलग शीट को भी मर्ज करना सीख लिया।